विजेश क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 डिटरमिनेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स ए दे रखा है और मैट्रिक्स बी दे रखा है और हमें वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। सबसे पहले तो मैं बी इनवर्स ए इनवर्स को निकालने के लिए उसका बेसिक डाटा तैयार करता हूँ, क्योंकि हमें पता है ए इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले हमें नॉन सिंगुलर देखना होता है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो इनवर्स निकालने के लिए नॉन सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी होता है। नॉन सिंगुलर मीन्स कि वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए उसका डिटरमिनेंट। तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ मैट्रिक्स ए का। 5 × 15 माइनस 14 जो कि है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है नी। तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो मुझे अब कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ए इनवर्स का फाइनल फॉर्मूला पता ही है आपको। ए इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला के लिए मुझे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो मैं निकाल रहा हूँ ए 1 मतलब -1^2, क्योंकि 1+1 ये रो एंड कॉलम को ऐड कर लिया 2, और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर दिया ए 5 आ गया। तो -1^2 है तो इसका मतलब ये 5 प्लस का ही रहेगा। फिर मैं निकाला 1, 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1^3 इंटू 1+2 क्योंकि 3 होता है। तो फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम को मैंने फ्रीज कर लिया 2 आ गया, और यहाँ के -1^3 है तो ऑड है तो ये माइनस होगा -2। इसके बाद मैंने ए 2 1 लगा रहा हूँ क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1^3 आएगी, और अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को फ्रीज करता हूँ 7 मिलता है 7 जो कि आएगा -7। सेकंड रो सेकंड कॉलम ले लिया है -1^4 आ जाएगी क्योंकि 2+2 4 होता है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को फ्रीज कर दिया 3 आ गया, ये 3 आया 3 प्लस का 3 आएगा। तो अब मैं यहाँ पर एट जॉइंट ऑफ ए लिखा हूँ, पहले तो मैं एज इट इज लिखूँगा जो इनके रो एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंगली, फिर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँगा 5 2 -7 3। तो जब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ 5 2 और -7 3, ये मेरे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं निकालने जा रहा हूँ ए इनवर्स जो कि ये वाला फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले को आप अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे आगे मिटा दूंगा इसको। तो 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला था जो कि 1 था, 1/1, और अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा जो कि है 5 -7 2 3। तो फाइनली मेरे पास ए इनवर्स आ चुका है 5 -7 2 3। तो ये आया है आपके पास ए इनवर्स, ठीक है जी। इनका ए इनवर्स का आंसर क्या आ रहा है हमारा, एक मिनट चेक कर, सॉरी यहाँ पे -2 भी तो है, ये 5 ये रहा और ये -2 था, सॉरी यहाँ पे -2 आएगा तो ये भी -2 है और यहाँ पर भी -2 आएगा, ये -2 लीजिए। तो ए इनवर्स हमारे पास है, रेडी हो गया। अब मुझे बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको पॉज ऑन कर लीजिएगा। पॉज ऑन करके इसको यहाँ से, क्योंकि मैं मिटा दूँगा, मिटा कर मैं नया निकालूंगा, नया दोबारा से सॉल्व करूँगा, तो इसलिए प्लीज़ इसको आप पॉज ऑन करके यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ए इनवर्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए इनवर्स है 5 -2 -7 3, ये मैं लिख के रख लिया है। और अब मैं निकालने जा रहा हूँ बी इनवर्स। बी इनवर्स को निकालने के लिए पहले मैं नया मैट्रिक्स भी लिखा 6 8 7 9। तो बी इनवर्स को निकालने के लिए पहले मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना चाहिए, तो 9 6 54 -7 8 56 जो आया -2। तो बी इनवर्स को निकालने के लिए अब ये नॉन सिंगुलर हैं, तो देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि ये कंडीशन चेक करनी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप, इसके मार्क्स भी हैं तो ये नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स भी कटेंगे, ये आप ये अगर नहीं लिखते आगे वाला पार्ट, ठीक है नहीं। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ इनके कोफैक्टर्स, -1^2 आ जाएगा, 1+1 2 होता है,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर दिया, 9 आ गया, ये 9 प्लस का आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 के ऊपर पावर 3 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कर दिया 7 आ गया माइनस का। और अब मैं निकाल रहा हूँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 के ऊपर पावर 3 आएगा इनटू, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और क्या सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मैंने आया 8 जो कि आएगा माइनस का 8 क्योंकि माइनस के ऊपर पावर 3 था। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 के ऊपर 4 हो चुका है इनटू सेकंड रो सेकंड कॉलम को फ्रीज कर दिया 6 आ गया, ये 6 ही रहेगा पॉजिटिव में। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ बी, पहले मैं इनको एज इज लिखूंगा 9 माइनस 7 और माइनस 8 एंड 6, इसका एडजॉइंट आएगा, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो 9 माइनस 7 माइनस 8 6। अब मुझे निकालना है बी इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैंने निकाला था माइनस 2 और 9 माइनस 8 7 एडजॉइंट ऑफ बी और 6। ये तो मैंने निकाल दिया है इनवर्स ऑफ बी इनवर्स, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस 1 अपॉन 2 9 माइनस 8 माइनस 7 6। तो यहाँ पर आप पॉज करिएगा, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब मैं बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल रहा हूँ, मैंने बी इनवर्स और इनवर्स दोनों सॉल्व कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर आएगा आपका बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या है माइनस के 1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6 और ए 5 माइनस 7 माइनस 2 3। ये मैंने बी इनवर्स इनवर्स के जो वैल्यूज निकाली थी वो लिख ली हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ माइनस 1/2 फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम के लिए 9 5 जा 45 और होता यहाँ पे प्लस है माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा 8 हो जाए 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 3 63 63 आ गया माइनस का और यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस 8 3 24 7 3 35 माइनस के 35 और प्लस होता है प्लस माइनस माइनस 6 12 6 12 6 12 7 7 49 माइनस माइनस प्लस के 49 हो गए और प्लस 6 3 18 तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 6 और 5 11 और ये आ जाएगा 4 और 1 5 61 और ये माइनस के 4 और 3 7 6 और 2 8 87 माइनस के 7 और 3 और 1 4 47 और ये आ गया 9 8 17 और क्या होना 4 5 और 6 67। तो लीजिए ये आ गया आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स, तो इसको मैं लिख के रख लेता हूँ एक साइड पे ताकि जो ये इशू है ये प्रॉब्लम का ये ठीक हो जाए। बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 1/2 और 61 माइनस के 47 माइनस के 87 और 67। देखिए अब आपको मैं करता हूँ अगला हिस्सा, ये मैंने बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल लिया, अब मुझे ए बी इनवर्स के लिए करना है। तो ए बी इनवर्स के लिए ध्यान रखना, अगर मुझे ए बी इनवर्स निकालना है, देखिए ए बी इनवर्स को तो निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर हमें निकालना है तो उसका एक तरीका है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी जो मैंने निकाला था वो था 9 माइनस 7 माइनस 8 6, ये एडजॉइंट बी था। और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का निकाला था मैंने, वो निकाला था 5 माइनस 2 माइनस 7 एंड 3, ये निकाला था। तो अभी मैं एडजॉइंट ए भी निकालने जा रहा हूँ, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तो ये इसे करेंगे 9 5 45, ठीक है जी 9 5 45 और ये जो है प्लस यहाँ पे आएगा क्या प्लस
तो प्लस ए टू सिक्सटीन, और इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 14 63 63, और प्लस माइनस माइनस 8 24, और यहाँ पर जो है मुझे ए बी इनवर्स है ना, ए बी इनवर्स के लिए ठीक है, ए बी इनवर्स के लिए यही करना पड़ेगा हमें, और 7 35 माइनस 35 माइनस 6 12 और 49 और 6 18 ये रहेगा प्लस प्लस 6 18, ठीक है जी, और यह रहेगा 6 5 11 और 6 61 4 3 7 87 और 5 7 और 3 4 3 4 47 माइनस के, एंड यह रहेगा 9 8 17 4 5 6 67, ये क्या आया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ध्यान देने की बात, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैंने निकाला था अगर आपको याद हो आपके उसमें नोट कर रखा होगा आपने, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था दैट इज वन, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो निकाला था वो हमने निकाला था क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज माइनस टू। तो ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा माइनस टू। तो अब ए बी इनवर्स निकाल रहा हूँ, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है माइनस टू, और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है अभी मैंने निकाला है यहाँ पर दैट इज 61 माइनस 87 माइनस 47 67। तो अब आप इसको और इस पार्ट को देखें, बी इनवर्स ए इनवर्स का जो वैल्यू आई है वो और ए बी इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो सेम है, तो हैंस प्रूफ वेरीफाई कर दिया है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट ऑन दिस पार्ट।